गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास, क्लास नाइन्थ मैथ्स। और जो एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी टाइम से वही एक्सरसाइज चली आ रही है, एक्सरसाइज वन नंबर सिस्टम। आप सेल्फ अपनी बुक में देख सकते हैं कितने हेवी, कितनी ह्यूज क्वांटिटी में क्वेश्चन गिवन है और कितने कितने टफ टफ क्वेश्चन है। तो आराम आराम से करना है, कहीं नहीं भागना, हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है। तो 1.7 में हमने क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर लिया था, फोर्थ तक कर लिया था। फिफ्थ के कुछ क्वेश्चन किए थे, है ना। फिफ्थ का पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 3 की पावर 2/3, 3 की पावर 1/5, ये क्वेश्चन था। तो इसको मैंने क्या लिखना सिखाया था कि दोनों का बेस सेम है, दोनों का क्या है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 2/3/1/5। तो उसे हम लिखेंगे 3 की पावर LCM ले लीजिए, 5 3 जा 15, 3 से किया 5/5 2 जा 10, फिर 5 से किया 3/3, तो आ गया था 3 की पावर 3/13/15, ऐसे लिखना था भाई। आ गई बात समझ में, सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, इसमें करेंगे अब आज, वो है सेकेंड, क्या है, 10 की पावर 1/2, 10 की पावर 1/5, तो ये आ जाएगा 10 की पावर, दोनों डिवाइड में है तो आप लिखोगे 1/3 1/5, तो हम लिखेंगे 10 की पावर 15, 3 5 15, 3 से 5 बार और ये 3 बार, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2/15, ठीक है बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका इसमें है मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से देखना है, फोर्थ में लिखा हुआ है -1/64 की पावर -2/3। सबसे पहला काम जो पावर में माइनस है, कहाँ पर देखो, ये माइनस है, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो क्या करेंगे, डिजिट को उल्टा कर दो, 64/1 और पावर हो जाएगी 2/3, प्लस में बन गई पावर। अब जब प्लस में बन गए तो आप क्या लिखेंगे, बड़े ध्यान से देखना, -4/3, क्योंकि 64 का क्यूब रूट क्या होता है मेरे बच्चे, 64 का क्यूब रूट होता है 4, क्या होता है 4, तो पावर कितनी है 2/3, 3 से 3 कट गया तो आप लिखेंगे -4/2, जो आपका आ जाएगा 16। लिख लीजिए जल्दी से, लिखकर आराम से समझिए। देख लिया बेटा सबने, आगे बढ़े। अब आराम से देखिए आगे और सुनिएगा क्या है क्वेश्चन। अब लिखा हुआ है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है तो मैं ही करवा देता हूँ, आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, cube root 0.001, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि कैसे लिखेंगे, समझना, बड़े ध्यान से समझना, ये क्यूब रूट कहलाता है, जब ऐसा लगा हुआ आ जाता है ना कहीं, उसको बोलते हैं क्यूब रूट, क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, क्यूब रूट, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है स्क्वायर रूट, तो इसके ऊपर जब 3 लग जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3, तो आप इसको क्या लिखोगे, 0.001 की पावर 1/3। अब पॉइंट उठाओ तो पॉइंट 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, 0 की पावर 1/3, तो 1000 को मैं से लिख लूँ 10 की पावर 3 और पावर 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/10 आंसर। देख लो कितना सिंपल है ना, तो टफ नहीं है, आपको बस आराम आराम से सॉल्व करना है। अब इसके बाद के जितने क्वेश्चन हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लेंगे, ठीक है। मैंने 5-6 क्वेश्चन करवा दिए इस फिफ्थ क्वेश्चन पे, ठीक है बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ तो आप भी करोगे ना, अगर सब कुछ ही मैं कराऊंगा तो फिर आप क्या करोगे। 6 में लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है, 1 square 1 cube + 2 cube + 3 cube + 4 cube और उसकी पावर है 1/2, तो आप लिखेंगे 1 का cube 1, 2 का cube 8, 3 का cube 27 और 4 का 64, सबको जोड़ दो, पावर 1/2।
यहाँ जोड़ो 1, 8, 27, 64, ऐड करो कितना आ रहा है मेरे बच्चे, 12 और 8, फिर 100, कितना आ गया बच्चा मेरे 100 की पावर 1/2। 100 को लिखोगे 2 का स्क्वायर और पावर 1/2, 2 से 2 कटा कितना आंसर आ गया, 10 आ गया। लिख लीजिए बच्चों, जल्दी से लिखिए, डू फास्ट। डन, देखिए नेक्स्ट है आपका, इसी में बड़े ध्यान से समझना है, थोड़ा टफ सा क्वेश्चन है, भले एक समझ लो आज लेकिन समझो बड़े ध्यान से। चलिए बड़े ध्यान से करना है इसको, समझ समझ के ना, परेशान नहीं होना, ऐसा नहीं कि आप टेंशन ले लो, रही क्या है सर, ऐसा किया है हमने 8th क्लास में, एक्सरसाइज नंबर 3rd या 4th कुछ ऐसी थी, है ना, समझो। सबसे पहले पावर को प्लस बनाने के लिए उल्टा कर दो इनको, ये पावर प्लस में हो गई, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, 9/25 पावर 3/2, और ये तो ऐसे कैसे सही है, ठीक है। अब चलिए 16 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर 4 बराबर 16, 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार, 4 बार, क्या आएगा 16 आएगा। 81 को आप ऐसे लिख सकते हो, 3 की पावर 4, 3 × 3 × 3 × 3 कितना आएगा, 81 आएगा। अगली बात समझ में, ऐसे ही 9 को ऐसे लिख लोगे 3 का स्क्वायर, और 25 को ऐसे लिख लोगे 5 का स्क्वायर, लिख सकते हो नहीं लिख सकते, रफ में करके देखना है पहले, ठीक है। तो यहाँ हमने 16 को लिखा 2 की पावर 4, यहाँ 18 को लिखा 3 की पावर 4, और वो होल पावर क्या चली गई, 3/4। ऐसे 9 को लिखा 3 और 5 का होल स्क्वायर, और पावर कितनी आ रही है, 3/2। हमने अपनी मर्जी से नहीं लिखा, 16 को 2 की पावर 4, 81 को 3 की पावर 4, और पावर 3/4 पहले से थी, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर का होल पावर 3/2, और ये बचा 22/5 की पावर 3। अब देखो आराम से, ये भी 4 तो मैं एक साथ लगा दूँ, पूरी 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2/3 की पावर 3, और 3/5 की पावर 3, और नीचे है 2/5 की पावर 3। अभी ने ओपन कर दो, ये 3 बार 3 बार 3 बार, 2/3 2/3 2/3, 3/5 3/5 3/5, नीचे क्या आ जाएगा, 2/5 2/5 2/5। लिख लिया, अब देखो 1 2 3 1 2 3 क्या बचा, 2 2 2 5 5 5, तो आप लिखेंगे 2/5 2/5 2/5। ये नीचे वाले भी ऐसे कैसे लिख लो, क्या है 2/5 2/5 2/5, ये कट जाएंगे आपस में, कितना आ जाएगा 1 आंसर। तो दिखने में कितना टफ दिख रहा था और आंसर कितना सा आ रहा है, 1 आ रहा है। तो पहले पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, उनको फैक्टराइजेशन करके सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, फिर ओपन कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को, तो बिल्कुल आराम से करना है, टेंशन नहीं लेना, जल्दी से लिख लीजिए जिससे मैं आपको होमवर्क दे दूं घर के लिए। लिख लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, एक और सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर पहले मैं 8th करवा देता हूँ, चलो 7th ही करवा देता हूँ,
एट्थ करवा देता हूँ बेटा, एट्थ अभी दो मिनट में हो जाएगा ना। सेवन्थ वाला आप ट्राई कीजिएगा, एक्स वाई की पावर माइनस वन मल्टीप्लाई में है वाई जेड की पावर माइनस वन और जेड एक्स की पावर माइनस वन बराबर वन। ये प्रूफ करना है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, प्रूव दैट है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन, मैं उम्मीद करूँगा सेवन्थ वाला भी आप करेंगे सेल्फ। सेवन्थ वाला और सिक्स के जितने बच गए वो आपके लिए होमवर्क है, सिंपल क्वेश्चन है, अभी जैसे कराया था वैसे ही करना है, ठीक है। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, रूट में मैं देखो समझाता हूँ। सबसे पहले LHS ले लो, ये LHS और ये RHS लिखो, एक्स वाई की पावर माइनस वन वाई जेड की पावर माइनस वन और जेड एक्स की पावर माइनस वन। तो ये देखो मैंने बताया था a माइनस वन का मतलब कितना होता है, वन अपॉन a, तो आप लिखेंगे x वन अपॉन y, फिर आप लिखेंगे y वन अपॉन z, फिर आप लिखेंगे z इंटू वन अपॉन x, लिख लिया आपने। अब ये भी रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट, सभी रूट में एक साथ लिख लो, x इंटू वन अपॉन y इंटू वन अपॉन z इंटू वन अपॉन x, y से y, z से z, x से x, क्या बचा रूट में वन, और रूट में वन कितना होता है वन आंसर। ये लाना था देख लो, ये लाना था ना, तो हम ले आए, ये हो गया हमारा प्रूफ। अब जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जितना आपसे हो सकता है उतना आप ट्राई कीजिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।